हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार मेरे हिबिस्कस प्लांट को लेके आई हूँ। और आज मैं ये वाला प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने मेरे एक प्लांट के ऊपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है तो आज ये वाला फर्टिलाइज़र भी आप अपना प्लांट्स में डाल सकते हैं और कुछ दिनों के बाद आपके प्लांट्स में बहुत सारे फूलों से एकदम भर जाएगा, ये मेरा वादा है। आप क्योंकि पिछले साल मैंने बिल्कुल ऐसे ही करके मेरे प्लांट को केयर किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देखते हैं इस बार मैंने इस प्लांट के लिए क्या फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 15 डेज पहले ही इस प्लांट में पहली बार फर्टिलाइज़र डाला था और आज फिर 15 डेज के बाद फिर से दोबारा डाल रही हूँ। देखिए, आज मैंने ये वाला है यूरिया, ये देखिए इसमें नाइट्रोजन रहता है और उसके साथ हमें चाहिए सुपर फॉस्फेट, ये देखिए। और थर्ड वन देखिए, ये है पोटास। ये तो हिबिस्कस में ही डालना है क्योंकि इसी से फ्लावरिंग होते हैं प्लांट में, तो इसको तो पूरा अच्छे से हमें हिबिस्कस में डालना चाहिए। तो देखिए, कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें बहुत ही अच्छे से उसका जो सॉइल है उसको अच्छे से हमें कोढ़ाई कर लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे करके फिर उसके बाद हमारा जो भी फर्टिलाइज़र है वो डालना है। फ्रेंड्स, मैंने पहली बार इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र डाले थे, वो भी वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं 15 डेज पहले का, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सेकेंड पार्ट ऑफ हिबिस्कस। और कल भी एक मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों को मिला के। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ज़रूर ये वाला डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यूरिया हमें डालना है एक चम्मच जैसा, लेकिन मेरे ये पॉट गहराई में थोड़ा सा कम है 11 इंच जैसा, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा है, तो ऐसा आप एक चम्मच डाल सकते हैं 12 इंच के पॉट के लिए। और 10 इंच के पॉट में आप इससे आधा डालना है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं। और ये देखिए फॉस्फेट, इसको भी हमें एक चम्मच डालना है, देखिए, लेकिन उतना भर के नहीं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र है, थोड़ा ज़्यादा होने से फिर प्लांट ख़राब होने का डर रहता है। और उसके बाद देखिए, ये है पोटास, इसको आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन 10 इंच के पॉट में आपको 1 चम्मच डालना है। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरा यह पॉट गहराई में थोड़ा सा कम है, गहरा कम है ये प्लांट, ये पॉट, तो इसीलिए। तो देखिए, ऐसे करके हमें डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फार्मी कंपोस्ट लिया है इस प्लांट को मालसिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, आप भी अपना प्लांट्स को मालसिंग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी बहुत ही ड्राई सीजन आ गए हैं। देखिए, मेरे पास फार्मी कंपोस्ट अवेलेबल है तो मैं फार्मी कंपोस्ट से कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सूखे पत्ते से भी कर सकते हैं। और अगर फार्मी कंपोस्ट से करना है तो आप 2 मुट्ठी 2.5 मुट्ठी जितना आपको ऊपर में रखना है सॉइल के ऊपर, देखिए बिल्कुल ऐसे करके, और सूखे पत्ते होने से सूखे पत्ते को ऊपर में रख दीजिए। या फिर काउडंग कंपोस्ट से भी आप कर सकते हैं, राइस हस्क से भी कर सकते हैं, कोकोपीट से भी कर सकते हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल है उसी से आप मालसिंग कीजिए तो जो प्लांट का सॉइल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा इस ड्राई सीजन में। और फ्रेंड्स, मैंने फार्मी कंपोस्ट से इसीलिए किया ताकि प्लांट्स को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलते रहेगा। और अभी हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से पत्ते निकलना है, ब्रांचेस निकलना है, तो इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा डालना ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैंने नाइट्रोजन भी यूरिया भी डाल दिया। और बाद में आप अगर आपके पास यूरिया अवेलेबल नहीं है तो आप
फॉस्फेट और पोटास से भी कर सकते हैं फर्टिलाइजिंग। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज का जो फर्टिलाइज़र। तो अभी हम थोड़ा पेस्टिसाइड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका बीमारी होते हैं मीली बाग ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन आप अगर पेस्टिसाइड स्प्रे करते रहेंगे 15 डेज़ के अंदर अंदर, कोई भी डाई मेथड 30% वाला पेस्टिसाइड आप एक चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के प्लांट में बहुत ही अच्छे से स्प्रे कीजिएगा 15 डेज़ के अंदर अंदर। या फिर नीम ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच शैम्पू या फिर हैंड वॉश, कोई भी होने से भी हो जाएगा, उसको अच्छे से मिला के आपको इस प्लांट में स्प्रे करना है, ये भी 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो ऐसा करके आप अपना हिबिस्कस प्लांट को केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट में कोई भी बीमारी आएगा ही नहीं, बहुत ही अच्छा हेल्दी रहेगा आपका प्लांट्स। और साथ में अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट अवेलेबल है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसको भी आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के महीने में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका प्लांट्स में और खील उठेगा। तो ऐसे करके आप अपना हिबिस्कस प्लांट को केयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आज मेरे हिबिस्कस के बारे में इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।